छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एक बार फिर बोरवेल में एक और बच्चा गिरा है। बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा गया है, लेकिन वो बोर जो है फेल हो चुका था, जिसके कारण उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। राहुल जो पिछले 3 दिन से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और उसके उस लड़ाई में प्रशासन, पुलिस और पूरा प्रदेश प्रण प्राण से जुटा हुआ है। उसे निपटने के अब कुछ देर और भी इंतजार करना पड़ेगा। बोरवेल में गिरे मासूम राहुल को बचाने की जंग। की बड़ी खबर जांजगीर चांपा से आ रही है, राहुल तक रेस्क्यू की टीम पहुंची है। ऊपर सीसीटीवी कैमरे से किया जा रहा है, राहुल से नीचे के अमले के साथ से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। 5 दिन तक डटे रहे 500 अफसर, कर्मचारी और जवान। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर जो है वो लगातार उन पर नजर रखा बनाए हुए हैं, लगातार उसका जो है स्थिति जो है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट है, हेल्प है, उसको देना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने स्तर पर ये रही है कि यह प्रयास सफल हो। 106 घंटे बाद चट्टान चीरकर जीती जिंदगी। वो खबर जो छत्तीसगढ़ में सुकून का संदेश आधी रात को देकर गई, वो खबर थी तकरीबन 104 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन जिंदगी सफल होने के संदर्भ में। हर पल का अपडेट सबसे पहले दिया हमने। पूरा छत्तीसगढ़ उत्सव मना रहा है। जिस तरह से बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ था, उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने एक सामूहिकता के साथ काम छत्तीसगढ़ में हुआ, उसने एक मिसाल कायम की। ग्राउंड जीरो पर दिन रात कवरेज किया हमने, क्योंकि हम हैं INH न्यूज़।